एक जनवरी यानी नए साल की शुरुआत, पूरा कैलेंडर ही बदल जाएगा और इसी के साथ कुछ बदलाव भी होंगे, कुछ नियम भी बदलेंगे जो कि आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स। अमूमन हर महीने की पहली तारीख से कुछ ना कुछ बदलाव होता है। कोई भी नया रूल लागू होना हो तो अमूमन एक तारीख ही इसके लिए चुनी जाती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मंथ एंड के बाद लोग बजट प्लानिंग, सेविंग या नई चेकलिस्ट की शुरुआत किसी भी महीने की एक तारीख से ही करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 से क्या क्या बदलने वाला है और आपको क्या बदलाव दिखाई देंगे। बैंक लॉकर एग्रीमेंट। नौकरी पेशा लोग हो या बिजनेसमैन, लोग अपनी कमाई बैंक में जमा करते हैं। वहीं बात जरूरी कागजातों की हो या जेवर गहनों की हो, उनके लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि घर में ज्यादा रकम या ज्यादा ज्वेलरी रखना सेफ नहीं माना जाता है। चोरी ना हो जाए इस डर से लोग कीमती चीजों को बैंक लॉकर में रख देते हैं। अब ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। बैंकों को बैंक लॉकर यूजर से संशोधित एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई थी। RBI ने कहा था कि जो ग्राहक डेडलाइन से पहले एग्रीमेंट को रिन्यू करने में विफल रहते हैं उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है या सप्लीमेंट्री चार्ज चुकाना पड़ सकता है। बैंक लॉकर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जल्द ही बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। UPI पेमेंट। अब बात उस सुविधा की जिसका इस्तेमाल लोग लेन देन के लिए करने लगे हैं। सब्जी खरीदनी हो या कपड़े, लोग UPI के जरिए पेमेंट करने लगे हैं। 1 जनवरी से NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे पेमेंट ऐप से उन UPI IDs को बंद कर दिया जाएगा जिनका इस्तेमाल पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से नहीं हुआ है। सिम कार्ड। अब UPI का इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है कि फोन में इंटरनेट भी होना चाहिए, जिसके लिए फोन में सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो अब बात सिम कार्ड की। जैसे पहले लोगों को सिम लेने के लिए पेपर वर्क करना पड़ता था, अब उसकी जगह डिजिटल KYC की जरूरत होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अनुसार 1 जनवरी से पेपर बेस्ड नो योर कस्टमर प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी। आधार कार्ड। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि KYC या वेरिफिकेशन आदि के लिए बहुत जगहों पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसे में आधार कार्ड की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 के बाद से आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए ₹50 का चार्ज देना होगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।